नमस्कार मित्रों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूल। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ड्यू एडमिशन 2020 की बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 20 जून से शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, और जानते हैं हम लोग डिटेल में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की 20 जून से शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण खेल और एक्स्ट्रा करिकुलम गतिविधियां ECA के लिए कोई भी परीक्षण नहीं होगा। एडमिशन के बारे में हुई कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि 20 जून से 4 जुलाई तक सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। जैसा कि हम बता दें कि जो बच्चे स्पोर्ट कोटा या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू एडमिशन के लिए आते हैं तो उनका किसी भी प्रकार से परीक्षण नहीं कराया जाएगा, केवल आपके सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। CBSE द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरी विंडो नंबर के अपडेशन के लिए खोली जाएगी। कट ऑफ की घोषणा अगस्त में होने की संभावना है, लेकिन इस पर निर्भर करेगा कि CBSE अपने परीक्षा परिणाम कब घोषित करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन NCC और NSS को छोड़कर ECA में कोई भी प्रवेश नहीं होगा। एडमिशन सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा। एडमिशन के लिए कोई भी परीक्षण नहीं किया जाएगा। यह फैसला कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि खेल कोटे के लिए कोई भी ट्रायल नहीं होगा और एडमिशन केवल सर्टिफिकेट के आधार पर ही किया जाएगा। मीटिंग में मौजूद एक प्रोफेसर ने बताया एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी, स्टूडेंट को एडमिशन के लिए कॉलेज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने आगे बताया कि अगर ST/SC, OBC, EWS या PWD कैटेगरी के उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट में उनके नाम में कोई गलती होती है या फिर सरनाम में होती है तो उनके एडमिशन कैंसिल करने की बजाय उनके दूसरे सर्टिफिकेट से वेरीफाई किया जाएगा। जैसा कि हम बता दें कि अगर आपके सर्टिफिकेट में कुछ भी इशू रहता है, आपके सरनेम या आपके नेम में कुछ त्रुटियां रहती हैं, तो उसको दूसरे सर्टिफिकेट के थ्रू आपका एडमिशन कराया जाएगा। जैसा कि DU यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि आपके नोटिफिकेशन का जोर, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए बोल दिया है कि 20 जून से आपके एडमिशन स्टार्ट कराए जा सकते हैं, तो जो भी आपके DU से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएंगे इस चैनल पे आपके अपडेट किए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। CBSE के जो एग्जामिनेशन है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाले हैं, उस पर कोर्ट में याचिका फाइल की गई, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने दे दिए, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कि एग्जामिनेशन कराया जा सकते हैं या नहीं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।